कल जो कुछ हुआ आप लोगों का एस्केप किए हुए हो, रात तक रखा गया, क्या कुछ बोलेंगे? देखो, कल जो भी सिचुएशन हुई वो बहुत ही ख़राब थी। हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, करना चाहते थे, करने तो दिया ही नहीं। जंतर मंतर से सिर्फ 10 कदम से ही पूरा बैरिगेटिंग था, तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ जाने दो। हमारी कॉल दी हुई है हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमें वहाँ पंचायत करनी है महिला सम्मान के लिए, लेकिन 10 कदम से ही उन्होंने बैरिगेटिंग स्टार्ट कर दी। हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है पुशिंग स्टार्ट कर दी कि आप आगे नहीं आ सकते हो, तो उस पुशिंग में हमें डिटेन करने लगे, लेकिन हमने भी अपने आप को रोकने की कोशिश की कि मत आगे जाओ, मत लेके जाओ, बस में मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक ही तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्ती उठा के, आपने वीडियोस देखी होगी कि हमें बस में डाल दिया गया और डिटेन कर लिया, और उसके बाद हमें फिर शाम को 6 बजे छोड़ा उन्होंने। देखो, वो तो सब फोटोज वीडियोज में प्रूफ है कि इतनी सारी फोर्स के बाद एक महिला के ऊपर जब 20-30 कॉन्स्टेबल्स फोर्स लगी हुई है, तो हम कहाँ का दंगा फसाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक अपना आज का मार्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है घसीट करके हमें बस में डाल दिया। उसमें हमें खरोचे भी आई हैं, तो हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी। आप एक भी वीडियो में देख लो, हमने कोई बैरिकेटिंग, पुलिंग, पुशिंग कहीं का कोई अगर आपको मिल जाए, हम सिर्फ फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक करने अपना धरना शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें जाने दो, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। कुछ मॉक पिक्चर भी सामने आए, जैसे कि विनेश की और संगीता की खुद की पिक्चर को, ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी आईटी से अपना खेल। वो तो सोशल मीडिया पे आपने देख ही लिया हुआ, कितने बुरे तरीके से एडिटिंग कर रखी है। जो ये काम कर रहे हैं उनको शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि भगवान ऐसे आदमी बना कैसे देता है कि हमें इस चीज़ को ऐसे चेंज करना है, या जो लड़कियां परेशान है उसके मुंह पे स्माइल दिखानी है। मुझे नहीं लगता उनके अंदर दिल भी होगा, या उनके अंदर थोड़ा बहुत भी ये होता है ना, थोड़ा बहुत भी मतलब है ही नहीं, दिल ही नहीं होगा आई थिंक कि उनके अंदर कुछ भी। तो बस बड़ा अजीब लगता है ये चीज़ है कि कैसे बुरी तरीके से आईटी सेल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।